मगर योगेश्वर परम में मजबूरी नहीं होगी। योगेश्वर पर जब योगिमा पर्व भी पहले दिन में हुआ करता था, योगेश्वर पर्व भी अभी दिल्ली में जून के महीने में दिन में हो रहा है, मगर जैसे ही आप हाल की सीमाएं तोड़ेंगे, उसके दरवाजों से बाहर निकल जाएंगे, तो हम लाल किला मैदान में आ जाएंगे। वो लाल किला मैदान तो उसका वैसे ही नाम हो गया है, उसका असली नाम है बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान। बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान है वो तो एक बिल्डिंग के नाम से वैसे ही हमने रख लिया है। जिस दिन वहां जाएंगे वहां छत की सीमा नहीं होगी, और गर्मी का महीना होगा, हमारे ऊपर टेंट की जरूरत नहीं होगी रात को। और वहां जो मंच लगेगा वो बड़ा अद्भुत होगा। मेरा जो सपना है ग्राम होता है एक, और किसी एक ग्राम से शुरुआत करते, तीन ग्राम होते हैं। आपके जो स्वर होता मध्यम है ना, और उसके बाद कौन सा होता है, वो तीन ही होते हैं, तीन ग्राम। और सारे गायक किसी एक ग्राम में गाते हैं, एक ग्राम में, मगर महात्मा रावण तीनों ग्रामों में एक साथ गाते थे। ये विश्व का रिकॉर्ड है जिसको किसी ने नहीं तोड़ा, और ये खून में होना चाहिए, वैसे नहीं आता, जन्म जात होना चाहिए। और ये पक्ष हमें नहीं पता। हमने वो कुशीलव घराना स्थापित करना है दोबारा, मगर ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे आप धर्म समाजी बनते हो, 20 साल तो मां बाप के वो जो सिखाया उन्होंने, मजार है ना, देवी समाधि, धूखना और क्या क्या, हुक्का भी चढ़ाना है ना, बहुत कुछ सिखाया उल्टा पुल्टा। 20 साल वो सीखते हैं और 20 साल बाद फिर मेरे जैसा कोई सिरफरा आ जाता है, फिर उसकी बात सुन के करे कि नहीं ये ठीक लग रही है, ये ठीक लग रही है। क्योंकि एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में आपके किचन जहां होता रसोई होती, अभी तो चलो रसोई बदल गई है, गैस सिलेंडर वाली आ गई है, मगर हुक्का तो गैस सिलेंडर वाला नहीं ना है। मैं कह रहा हूं हो जाए तो अच्छी बात है, एक ही बार में निबेड़ा हो जाए है ना, एक ही बार में, वो तो बड़ी स्पीड होती है उसकी, रोज रोज पीना ही ना पड़े, जो पिए अमर हो जाए उसी वक्त। मगर पहले ये गैस नहीं थी तो एक हफ्ते में रसोई में बड़े बड़े जाले लग जाते थे, खुली रसोई में, और ये तो खुला नहीं ना है अंदर, जिसमें धुआं खींच रहे हैं, हुक्के का भी सिगरेट का भी, ये तो खुला नहीं ना है, अंदर ही अंदर है, सीधा जा रहा है आपके किडनी में। तो ये जब मेरे जैसा सिर्फ इरा कोई तर्क के साथ बात करता है, वो करे हां हुक्का तो ठीक नहीं है ना, और प्रसाद क्या होता है, जो आप चढ़ाओगे वही वापस आता, उसी को प्रसाद कहते हैं। आप जो चढ़ाओगे, आप ले जाते हैं, उसी में से एक हिस्सा आपको मिल जाता है, एक बाकियों को बट जाता है, यही प्रसाद है। और अगर दुनिया की सबसे ज्यादा गंदगी को प्रसाद कहा जाए, जिसका मुंह नाली में घुसा रहता है सुअर, तो आपको भी तो वही आएगा हिस्से में, वापस तो वही आएगा ना, जो आप किसी को पेश करोगे वही आपको वापस आ जाएगा। मैं किसी के घर था, मुझे बुलाया, करे आज आइएगा, हमारी बहू नहीं आई है,
और आज पहली बार वो किचन में जाएगी तो आपने लंच करना है, हिसार की बात है। और जब मैंने खाना खाना शुरू किया तो जिनके यहां लंच था वो मुझे कह रहे कि जी थोड़ी सी तारीफ कर दो। मैंने कहा क्यों? कह रही वो नई बहू ने बनाया है। मैंने कहा अगर तारीफ कर दी तो ऐसा ही कच्चा खाना मिलेगा मुझे हर बार, मैं नहीं कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा कच्चा है, प्याज अलग घूम रहे हैं, चने अलग घूम रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया, तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। अगर कर दी तो इसी पे वो पक्की हो जाएगी कि यही स्वादिष्ट है, क्योंकि जो जिसको मैं कहूंगा कि ये अच्छा है तो उस पर आदमी पक्का हो जाएगा। तो मैं बुरी चीज को अच्छा क्यों कहूं? मैं अपने विवेक से सोचूं, अपनी ईमानदारी से सोचूं। मैंने परमात्मा को जवाब देना है, आपको ना भी दूं, आपके साथ झूठ भी बोल दूं, मगर ईश्वर के साथ और अपनी आत्मा के साथ झूठ नहीं बोल सकता। वो तो मुझे चोट मारेगी कि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों से कहीं छल कर रहे हो, तो मैं वो छल नहीं करना चाहता, मैं वो बात करता हूं। और हुआ क्या, कहा था किसी ने मुझे कि लोग झूठ के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। मुझे किसी ने कहा जब शुरुआत हुई हमारी और जब हम अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने लगे, तो मुझे किसी ने कहा कि झूठ के साथ लोग ज्यादा जुड़ते हैं और सच के साथ नहीं जुड़ते। शुरू शुरू में मैंने भी इस बात को मान लिया, मगर बदला नहीं, अपने आप को बदला नहीं, मैंने अपने सच को पकड़ के रखा और यह भी पकड़ के रखा कि अगर मेरे पास ज्ञान जो है, जो ज्ञान मेरे पास है, अगर वो ज्ञान अगर गलत है और मुझे अगर किसी ने ठीक बात बताई तो मैंने उसमें भी देरी नहीं लगाई। मैंने एक दिन आर्टिकल लिखा, एक दिन जैसे मैं लिखता हूं रोज फेसबुक में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है एडहॉक, उसका थोड़ी देर बाद यादव है, उसका मैसेज आया इनबॉक्स में, नमस्कार किया उसने और फिर कहा कि अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं एक बात कहूं। मैंने कहा कहिए कि जी आपने जो आर्टिकल लिखा, आर्टिकल तो ठीक है, मैसेज ठीक है, मगर हिंदी में आपकी गलतियां हैं। तो मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा जल्दी बताओ, अभी तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मैं जल्दी दुरुस्त कर लूं। मैं आकड़ भी सकता था, मेरा अहंकार अगर आगे आ जाता तो मैं उसे कहता हूं तुम कौन हो मेरी गलती निकालने वाली, मगर मुझे लगा गलती जितनी जल्दी निकल जाए, मेरा मैसेज जितने लोग पढ़ेंगे वो भी गलती से बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगा। तो ज्ञान, जब मुझे कोई नया ज्ञान मिलता है तो मैं उसमें देरी नहीं करता कि इसको पकड़ू ना, इसको समझू ना। और रोज नई चीजें होती हैं, जैसे आप लोगों को जो पता है राशियां कितनी है, आपको जो पता है राशियां कितनी, राशियां जो अखबार में छपती हैं 12, आपको जो ग्रहों का पता है, आपको जो उनको राशियों में बांट लिया, ग्रहों को 9 ग्रह कह के उनको बांट लिया कि 9 ग्रह है, मगर आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इससे आगे बढ़ गए हैं। वो कह रहे हमारे आकाश से आगे, हमारी आकाश गंगा से आगे और आकाश हैं, मिल्की वेज बोलते उसको, स्टार्स जिसमें बहुत सारे सूरज, हमें तो एक सूरज दिखाई देता है, इस सूरज से बड़े बड़े सूरज और भी हैं।
तो हमें उस ज्ञान को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं। मगर पांचवी पढ़ा हुआ पंडित वहीं खड़ा है, वो आपको सिखाए जा रहा है कि आपका बुध खराब है, आपका मंगल खराब है, हम वही सीख रहे हैं और अभी तक भी वही चल रहे हैं। मेरा इस साल में कई एक अनुभव हुए हैं, अच्छे भी कड़वे भी, बहुत सारे चीजों ने मुझे खुशी भी दी और बहुत सारी चीजों ने आंसू भी दिए। इस साल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हमने अपने कई साथियों को खोया भी है इस साल में, जिसमें वीरपाल शंभूख जी, अभी अभी बिल्कुल हाल ही में एक बेटी को खोया हमने, सृष्टि को। मगर मैं जो यहां कहने जा रहा हूं उनके साथ जोड़ के, वीरपाल शंभूख जी की वीरांगी आई हुई है आज और बहुत समय बाद आई हैं, उनका बाकी परिवार भी मौजूद है। उनकी जब मृत्यु हुई बॉम्बे में, हम लोग बहुत दूर थे यहां पंजाब में, और मैं शायद किसी अपने प्रोग्रामों में बिजी था और अतिकाय जी ने अपना प्रोग्राम तय किया कि हम लोग आ रहे हैं, और परिवार ने 3 दिन तक उस बॉडी को, जिस बॉडी ने हमारे बहुत सारे मूवमेंट में, आंदोलनों में हमारे साथ खड़े होके, यहां तक कि गोहाना के आंदोलन में भी बॉम्बे से बैनर बना के, जहां पुलिस घुसने नहीं दे रही थी गोहाना में, वो बैनर बना के आए थे शरेआम और नारे लगाते हुए, उस वीरपाल शंभूख जी की बॉडी को 3 दिन रखा, इंतजार किया। इंतजार क्या किया, रस्में तो बताने वाले हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। मैं तो अभी थोड़ा बीमार हुआ तो मैंने अजीब चीज देखी, मुझे पता ही था हमारी कौम में इतने डॉक्टर हैं, जिसको भी मेरी बीमारी का पता चले वो बीमारी की बात भी करे और दवाई भी बता दे। मुझे तो पहली बार पता चला इतने ही डॉक्टर हैं इस कौम में, बड़े अद्भुत डॉक्टर हैं, बड़े बड़े तरीके बता रहे थे। और ऐसे ही इस कौम में सारे के सारे ही विद्वान हैं, सारे ही, और खास तौर पे ये मृत्यु का जो समय होता है इसमें रिश्तेदार बड़ा परेशान करते हैं। मैं अपनी मां के समय को याद करता हूं, मैं उस वक्त यात्रा में था, यात्रा चल रही थी वाल्मीकि तीर्थ के आजादी के लिए, और केवल 90 किलोमीटर से भी कम दूरी पे था घर से मैं। सुबह 5 बजे सूचना भी आई, मगर मैं 12 बजे पहुंचा अपनी मां की मृतदेह को देखने के लिए। वो मेरे पास एक जिम्मेवारी थी कि अगर यात्रा को छोड़ के मैं सुबह 5 बजे निकल गया तो यात्रा चंडीगढ़ जाने की बजाय मेरे घर की तरफ आ जाएगी, कि इधर चलो पहले अफसोस करो, रावण जी को खुश करो, कहो कि हम सारे आए हैं, बड़े दुखी हैं। आज जो वाल्मीकि तीर्थ बना वो यात्रा इस वाल्मीकि तीर्थ के लिए एक मील पत्थर थी। 64 दिन चली थी पंजाब में, 64 दिन एक यात्रा, एक एक गांव, एक एक तहसील, और 64 दिनों का निचोड़ था उस दिन। चंडीगढ़ जाना था जहां सरकारें बैठती हैं कान में रुई डाल के बैठती हैं कि किसी की सुननी नहीं है। एक बहुत बड़े चित्रकार हुए पिकासो, उसके पास एक अमीर आदमी पहुंच गया, बड़ा धनाढ़ आदमी,
कह रहा मेरा चित्र बना दो। वो कह रहे भाई बड़ा आसान है, अब तो कैमरा आ गया है और वहां से बनवा लो, जल्दी बन जाएगा, एक ही दिन में बन भी जाएगा और पैसे भी बड़े कम लगेंगे। वो कह रहा जब मैं आपको कह रहा हूं आप मेरी तस्वीर बनाओ तो आप बनाओ। पिकासो ने टालना चाहा, वो कह रहा छह महीने लग जाएंगे, मेरा काम बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे करूंगा, एक रंग लगाऊंगा सूखेगा फिर दूसरा लगाऊंगा, कहीं मिक्स हो गया कुछ और ही बन जाएगा, छह महीने लग जाएंगे। वो कह रहा छह महीने की चिंता नहीं, मगर तुम बनाओ, क्योंकि अमीर आदमी का एक अपना ही अहंकार होता है कि मेरे ड्राइंग रूम में फोटो लगी हो और नीचे नाम लिखा हो पिकासो, और मैं दुनिया को दिखाऊं कि पिकासो ने मेरा चित्र बनाया, ये नहीं कि मैंने बनवाया, पिकासो जैसे ने मुझे चुना। फिर पिकासो ने टाला कि पैसा ज्यादा लगेगा, मेरी फीस ज्यादा है, तुम सस्ती सी फोटो बनवा लो। वो कह रहा पैसे की चिंता नहीं, बोलो कितना चाहिए। अब पिकासो ने सोचा है तो टाल ही नहीं रहा, वो कह रहा अच्छा फिर छह महीने बाद आ जाना। छह महीने बाद आया, मांगा मेरा चित्र दो। वो कह रहा अभी थोड़ी सी कमी है ना, बीच में मौसम बदल गया था, बरसातें होगी, रंग सूखा नहीं, मेरा काम रुक गया, तुम्हें तीन महीने और रुकना पड़ेगा। उसे थोड़ा सा तलखी तो आई, मगर उसने सोचा कहीं टाल ही ना दे, कह रहा अच्छा तीन महीने बाद आ जाएंगे। तीन महीने बाद आया, कह रहा लाओ भी दो, काम हो गया, कह रहा लगभग हो गया है, कह रहा लगभग, कह रहा बस डेढ़ महीना और लगेगा। फिर सब्र कर लिया भी चलो कोई बात नहीं, डेढ़ महीना लगेगा कर लो। और डेढ़ महीने बाद आया कि अब हो गया, कह रहा बस अब तो हो ही गया समझो, हफ्ता लगेगा। वो कह रहा भी अब हफ्ता पक्का मान ले, तीन चार बार तरीके बदल दिए हैं, अब तो नहीं बदलेगा। कह रहा चलो अब नहीं बदलते। हफ्ते बाद वो आया, कह रहा लाओ दे दो, कह रहा अंदर रखा ले लो जी, आप खुद ही ले लो, अब तो तैयार है। वो गया अंदर, चित्र ढूंढने लगा, कई चित्र पड़े थे, उसे चित्र ही नहीं मिल रहा। वो बाहर आया, कह रहा अंदर चित्र तो है नहीं मेरा, कहां है वो? पिकासो कह रहा मैंने अभी आज ही तो रखा है, अंदर ही है, थोड़ी देर पहले रखा, जा कहां सकता है, और बाहर मैं बैठा हूं गेट पे, अंदर ही है। वो आदमी फिर गया दोबारा, चित्र उठा के आगे पीछे देखे कि कहीं किसी के पीछे ना बना दिया हो, नहीं मिला। वो फिर गुस्सा अब उसका बुरा हो गया, अब वो लड़ने को तैयार हो गया पिकासो से। वो कह रहा मेरा चित्र मुझे नहीं दिख रहा, ला दिखा कहां है। पिकासो गया, एक चित्र उठाया, पेंटिंग एक उठा के ला के कह रहा ये देख तेरा चित्र, मैं कह तो रहा हूं अंदर पड़ा। वो आदमी देख रहा चित्र को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इधर से अगल से बगल। वो कह रहा चित्र है कहां मेरा, मैं ऐसा हूं, ये एक आंख एक कान, ये क्या है, ये मेरे दोनों कान है दोनों आंखें, तुमने क्या बना दिया? दुनिया कह रही पिकासो पिकासो, तू तो बिल्कुल बेकार आदमी है। पिकासो ने हाथ जोड़ के कहा कि माफ करना, चित्र जो होता है ये चरित्र पे बनता है, वो आपकी शक्ल सूरत से नहीं बनता। आपकी आंख कितनी है, आपके दांत कितने हैं, आपके कान कितने हैं, चित्र उससे नहीं बनता। चित्र बनता है आपके चरित्र से। और अमीर आदमी का एक ही कान होता है, उसे मतलब की बात सुनाई देती, प्रॉफिट प्रॉफिट, उसे गरीब की चीख सुनाई नहीं देती, उसे गरीब का गिरता हुआ पसीना और खून दिखाई नहीं देता,
उसे अपना लाभ लाभ दिखाई देता है कि माल कितना बना और गरीब कितना पिसा, ये उसे दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने एक आंख बनाई, एक कान बनाया और ये 100% तुम्हारा चित्र है। तो चंडीगढ़ में ऐसे चरित्र वाले लोग बैठते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, जितनी भी राजधानियां हैं वहां ऐसे लोग बैठते हैं ज्यादा, जिनके कानों में आपकी आवाज नहीं जाती। तो हमने दूसरा तरीका चुना, हम वो जो 64 दिन घूमे, हम उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचा रहे थे, हम उनकी नींद खराब कर रहे थे। राजनीतिक आदमी की नींद खराब करनी पड़ती है, आवाज तो उसे सुनती नहीं, जो मर्जी करो आप लाउड स्पीकर लगा के बोलो, धरना लगाओ, सारे मिलके नारा लगाओ, कितनी यूनियनें रोज ही इनकलाब जिंदाबाद करती हैं, सुनता नहीं है। राजनीतिक आदमी की नींद खराब करो, हम जो 64 दिन घूमे, एक एक तहसील में, छोटे छोटे गांवों में उनकी नींद खराब हो रही थी कि ये तो नेटवर्क बना रहे हैं नीचे। कौन सा नेटवर्क? वो जहां बूथ पे वोट पड़ती है, राजनीतिक आदमी कहता है कि बूथ पे उसके 4-5 अपने आदमी होने चाहिए, और हमने हर बूथ पे 4-5 नहीं, सैकड़ों आदमी इकट्ठे कर लिए जो सरकार का तख्ता पलट सकते थे, हमने उनकी नींद खराब की। और वो दिन था उस दिन नींद का, सरकार की नींद को और बुरी तरह खराब करने का। तो मुझे अपनी मां की मृत्यु की खबर मिलने के बावजूद मुझे 11 बजे तक राजपुरा में रहना पड़ा। यात्रा की रवानगी कराई, उनको कहा हां गाड़ियां यहां लगाओ वहां लगाओ, अब चला दो, हम पीछे से आगे आएंगे। फिर हमें पीछे से अपने घर आना पड़ा। मगर मैं दूसरे रूप में सोचता हूं, कह रहा हूं कि वो समा जो होता है, बड़ा थोड़ा सा समा होता हमारे पास। मृत्यु का तो किसी को पता नहीं होता कि मृत्यु कब आनी है, मगर एक थोड़ा सा समय होता है हमारे पास कि वो देह खराब होने से पहले पहले, इससे पहले कि वो देह खराब हो जाए, पानी छोड़े, उसका कुछ जख्म रिसना शुरू हो जाए, एक छोटा सा समय होता है कि हम उसके पास बैठ सके, मां का हाथ पकड़ के समय गुजार सके। मगर उस वक्त मैं जो कह रहा था, ये पूरी कौम ही फिर विद्वानों की बन जाती है। अभी जो लास्ट में मृत्यु हुई है हमारी बेटी सृष्टि की, कुदरत की तरफ से, मैं अब मेरे प्रोग्राम नहीं थे क्योंकि योगिमा पर्व की तैयारियों में प्रोग्राम बंद कर देते हैं, कुछ मेरा ऑपरेट हुआ था इसलिए बंद थे, और मैं मृत्यु वाले दिन उस घर में मौजूद हो गया। रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, अब वीरपाल जी की बात बाद में कहूंगा, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। एक चाचा, उस बेटी का चाचा मेरे पास आया जहां मैं बैठा, वो कह रहा जी कुछ औरतें कह रही हैं। औरतें कौन सी? जो स्कूल के पीछे से भी नहीं निकली होंगी, आगे से तो निकलना और बात है, जो पीछे से भी नहीं निकली, कह रहा वो औरतें कह रही हैं कि इस लड़की की जिसकी मृत्यु हो गई उसके पैर बांध दो, बांध दें, मुझे पूछने आए बांध दें। मैंने कहा नहीं, जाओ आप बैठो, मैं हूं यहां। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा एक रिश्तेदार आया, वो लकड़ी का क्या होता है, काना है ना, कह रहे जी ये इसके साथ रख दो, रख दिया गया। मैं दूसरे कमरे में था, रख दिया, मगर एक रिश्तेदार ने आके मुझे बताया जी वो रख दिया। मैंने कहा किसने कहा रखने को, हटाओ उसे।
वो गया क्योंकि धर्म समाज ही था, खोला फ्रिज, एक काना हटाया, फ्रिज फिर बंद कर दिया। अब ये बातें है क्या असल में, मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो हम रोते हैं कि मेरा अपना कोई क्यों चला गया, चीख रहे होते हैं, है ना। मेरे साथ उसकी बहनें जैसे झगड़ा करना होता है ना, झगड़ा चीखना होता है कि आप आवाज दो तो उठ जाएगी। और ये हम सबकी हालत होती है जब हम मृत्यु शब्द सुनते हैं, तो पहला तो हमारी कोशिश होती है अपने आप से कि ये सपना हो जाए, अभी मेरी आंख खुले और ये झूठ हो जाए। हम ये करते हैं, वो ये भी करते हैं, और फिर कुछ बदबीज कहूंगा मैं, पापी कहूंगा, कि कुछ पापी लोग आके कहते कि इसके पैर बांध दो, मतलब कुछ भी जो जो भी रस्में बना रखी, मैं पूरी नहीं बोल रहा, हर इलाके में अलग अलग है, ये कर दो वो कर दो, किस लिए? उसके पीछे का तर्क क्या है कि ये वापस ना आ जाए। देखो रो भी रहे कि क्यों जा रहा है हमारे घर का कोई आदमी, और फिर ऐसे उल्टे काम भी कर रहे हैं कि ये वापस ना आ जाए। मेरी मां अगर वापस आ जाए, जिसने जीवन भर हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी जोर से डांटा नहीं, वो मुझे दुख पहुंचाएगी अगर आएगी आज? अगर हम तड़प रहे हैं तो मां भी तड़प रही होगी कि मैं बच्चों को छोड़ के चले गई। मगर हमने कैसी अजीब बातें सोची हुई हैं, मां बाप के मरने पे रो भी रहे हैं, और मां बाप आ ना जाएं, कभी पंडित को बुला के हवन करवा रहे हैं, है ना, कुछ वो जो महंत संत करते हैं, कह रहे कील दो, है ना, कह रहे घर के लवा लो, क्या कील दो? भी भूत नहीं आएगा। अरे भूत होता ही नहीं है, अगर होता तो तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता था, होता नहीं है। भूत अगर होते तो सरहद पे आर्मी खड़ी करने की जरूरत थी सर्दी में? भूत ही खड़े कर देते भी, आपको तो सर्दी गर्मी लगती नहीं है, और आपको तो गाड़ियों की जरूरत भी नहीं है, फूस से उड़े उधर चले गए, फूस से उड़े इधर आ गए, है ना। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, मृत्यु से मजाक करता हूं कि अच्छा कि भूत नहीं होते, नहीं तो आप तो अपने दादा दादी को परेशान कर देते, है ना। और रात को बच्चे कहते हैं कि जी अंधेरे में नहीं जाएंगे, तो मां बाप कहते फिर दादा दादी को, मरे हुए दादा दादी को, कि जाओ दूध तुम ले आओ, ये नहीं जाएंगे बच्चे अंधेरे में, है ना। और हम जा रहे चार दिन के लिए शादी में, घर का ख्याल रखना, यानी वो मरने के बाद भी उनको चैन नहीं होता अगर भूत होते। भूत नहीं है इसीलिए वो चैन में चले गए। और मैं इसको दूसरी तरह से भी देखता हूं, आपको भी सोचना चाहिए ये। और मैंने कहा सृष्टि के योगशिष्ट पाठ में मैंने ये बात कही कि जब कोई जन्मदिन मनाता है, ये कौन है, यहां किसकी आवाज आ रही मुझे, इनको पकड़ के बिठा दो, पकड़ के। जब कोई जन्मदिन मनाता है, और वैसे जब आपको कोई पूछे, आप अपने बच्चों से पूछना जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जब उनसे पूछा जाता बच्चों से कि आपकी एज क्या है, तो क्या बोलते हैं वो, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है इसे, 7 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, पीछे ओल्ड लगता है। ओल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो 20 साल थे वो गए, जो 50 साल थे वो गए, और आगे कितने, इसकी गारंटी है किसी को?
अगली सांस हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे इसकी गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर जो चले गए, सोचो फिर उसकी खुशी मनानी चाहिए कि उसका दुख मनाना चाहिए कि चले गए जो निकल गए हाथ से? उसका तो दुख मनाना चाहिए कि निकल गए, अच्छे भले थे, इसमें ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, चले गए। और मृत्यु को भी दूसरी तरह से सोचने की जरूरत है, उल्टा नहीं, ठीक तरह से। हम उल्टा सोचते हैं। वो जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब का एक श्लोक है कि रंगी को नरंगी कहें, जिसके रंग होते हैं उसको लोग क्या कहते हैं, नरंगी, बेरंगी यानी के। और दूध में से जो मिलता है, दूध में से जो मिल जाता है हमें, जो अच्छी चीज मिलती है, कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया उसे क्या कहती है, कहे दूध का खोया। भी दूध में से जो मिलता है उसको कह रहे खोया। वो खोया थोड़ी, वो तो पाया है, उसे खोया थोड़ी कहना चाहिए, उसे पाया कहना चाहिए। चलती को गाड़ी कहें, जो चलती है उसको गाड़ी, गाड़ी तो होती है जो गड़ जाए चीज। ये जो ग्रिल गाड़ रखा है, ये गाड़ रखा चल नहीं सकता, मगर आपकी गाड़ी चलती उसको कहते गाड़ी। वो करे चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। भी दुनिया सारी चीजों को उल्टा ही कहती है, कहेंगे नदी चल रही है, नदी थोड़ी चलती, नदी वही होती है, नदी के रूप में पानी चलता है, नदी तो वही होती है। मेरे तो दो साथी हैं यहां बैठे, इन्होंने एक दिन नदी पलट दी, मुझे हिमाचल ले जा रहे थे, लुधियाना से चलेंगे तो पहले सतलुज जाता है, इन्होंने पहले ब्यास ले आए। अब मेरा ज्योग्राफी भी खराब हो गया, मैं सोचे जाऊं दो आदमी कह रहे कहीं यही ठीक ना हो, मगर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है तो मैंने कहा मेरी ज्योग्राफी गलत नहीं हो सकती, पढ़ाई लिखाई गलत नहीं होती। और जब नदी के पुल पे पहुंचे, फिर वहां जब लिखा पाया तो दोनों गलती जब समझ में आई, फिर दोनों जोर जोर से हंस रहे हैं कि हमने तो आज नदी पलट दी। तो मैं मृत्यु को अच्छे रूप में देख रहा हूं, दूसरी तरह से आप भी देख सकते हैं। हमारी मां को, दादी को, पिता को, किसी को भी जितने साल, जितने दिन हमसे बिछड़े हुए हुए हैं, उसको हम इस रूप में भी सोच सकते हैं कि आज वो इतने साल के किसी के भाई बहन हो सकते हैं, किसी परिवार में उनका जन्म हो गया हो, आज वो उतने साल के जितने साल हम उनको बिछड़े हुए गिनते हैं, उतने साल के वो किसी घर में बच्चे हो सकते हैं, किसी मां के गोद के लाल हो सकते हैं, मां की आंखों का तारा हो सकते हैं, सिर्फ हमसे बिछड़े हैं, दूसरी जगह हो सकते हैं। और ये बात तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान कहते हैं, पुनर्जन्म की बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान कहते हैं। उनका पहला श्लोक कहता है, वो जो पहला श्लोक कहता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत करोच मिथुना दे काम वदी काम मोहितम। बहुत अर्थ है इस श्लोक के, बहुत सारे अर्थ हैं, मगर आज अभी जो इससे जुड़ रहा है उसमें मूल सा अर्थ इतना जुड़ रहा है कि परमात्मा कहते हैं विष्णु से कि तुमने जो क्रौंच पक्षी को मार के उसके साथी को जुदाई का दुख दिया, तुम्हें अगले जन्म में, यानी पुनर्जन्म में, अगले जन्म का मतलब पुनर्जन्म, तुम्हें अगले जन्म में इसी तरह से अपने साथी से बिछड़ना होगा और यह जुदाई का दुख सहना होगा। तो हम अपने प्यारों को, जिनको हम बहुत प्रेम करते थे, वो जब बिछुड़ते हैं तो हम उनको इस रूप में क्यों नहीं सोच सकते कि हमारी बेटी सृष्टि
आज वो 10 दिन की, 12 दिन की किसी मां की गोद में खेल भी रही हो सकती है, किसी भाई की बहन बन के गई हो सकती है, उसको दूसरे रूप में सोच सकते हैं। तो वहां तो बात मैं बता रहा था सृष्टि के घर में क्या हो रहा था, मगर वीरपाल शंभूक जी की जब मृत्यु हुई वहां तो हम नहीं थे, मगर पखंडी तो वहां आए होंगे ना, उल्टी पुल्टी बातें बताने वाले वो तो आए होंगे, और रिश्तेदार तो मैं कहता हूं ना, जो जितने योगामृत होते हैं कि सबसे खतरनाक जीव कौन होता है, शेर, सांप है, एनाकोंडा, व्हेल मछली, व्हेल किलर मछली, या रिश्तेदार, सबसे खतरनाक जीव कौन सा है बोल दो भाई, आराम से सुन नहीं रहे रिश्तेदार, बोल दो, रिश्तेदार सबसे खतरनाक जीव होता है। तो वहां भी रिश्तेदार इकट्ठे हुए होंगे, उल्टी पुल्टी बातें भी बता रहे होंगे, मगर आज उनकी वीरांगी यहां मौजूद हैं। हालां उनके 3 बेटे अपने पैरों पे खड़े हैं, मगर पिता का इतना एक मर्यादा सिखाई हुई थी परिवार की कि वो मां की किसी बात को काट के आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर मां कुछ सोच लेती, कुछ भी उल्टा, वो तीनों विरोध नहीं कर सकते थे, मर्यादा बनी हुई थी घर में। मगर मां इतनी ज्यादा धर्म समाजी थी कि उसने कहा कि जो आदर्श की परंपरा है, आदि धर्म की जो परंपरा है, उसकी जो मान्यता है, मेरे पति भले उनकी रूह मुझे छोड़ के चले गई है, मगर धर्म हम नहीं छोड़ेंगे, धर्म निभाएंगे, और वैसे ही होगा जो आदि धर्म कहता है। ये एक बड़ा मुश्किल समय होता है उस वक्त फैसला करना, कुछ तो अपनी होश नहीं होती, दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता, मगर उस वक्त ये फैसला करना बहुत बड़ी बात होती है, धर्म को निभाना उस वक्त। और ये जो आज यहां 2-3 बार भजन हुए हैं, एक अंतिम भजन जसवंत पुरुषार्थी ने कहा, रमेश अटवाल जी का लिखा हुआ, एक शशि ने कहा वैसा ही भजन धर्म बदलने का, और उसी के ऊपर दिवानतक जी ने कितनी बार लिखा अपनी कलम से, वो है क्या सब चीजें, वो सब चीजें जो एक दुरुस्त दिमाग से, जो एक स्वच्छ सोच से, जो तर्क वितर्क करने के बाद जिसने ठीक को अपनाया है, ठीक को भी ठीक क्या है, वो आदर्श की सोच है, जिस सोच से ये कलमें लिखती हैं अब आगे। मगर उसमें से एक बात और जोड़ रहा हूं मैं, एक भजन विक्रम अछूत ने भी गाया, दिवंत जी ने शायद, और फिर शशि ने भी गाया, मगर वो जो तर्ज थी, जिस फिल्म की तर्ज जिस गीत पे गा रहे थे, वो बाली उमर का सलाम, जिसको लता ने गाया, मगर बाद में एक और गायक ने गाया, बाद में गाया आप में से, इसी जमीन पे, ये अमृतसर की जमीन पे पैदा हुए सुखविंदर ने। और एक हैरानी की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज तो YouTube में जो भी खोजोगे मिल जाता है ना, YouTube में, नेट में, है ना, करे Google में जाओ मिल जाएगा। मगर सुखविंदर ने जो पहली बार गाया इस गीत को सोनी चैनल के एक प्रोग्राम में, हारमोनी प्रोग्राम का नाम था हारमोनी,
और एक ऊंची सीट के ऊपर बैठ के गाया, वो यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको कहीं, नहीं उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, वो रिकॉर्ड खत्म करवाया गया। क्योंकि मैंने ये गीत जब भी सुना था पहले, मैं इसको सुनता ही नहीं था, मैं कह क्या है छोड़ो बेकार सी लाइन है, वो पहली लाइन ही मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं छोड़ देता था। मगर उस दिन अचानक मैं कहीं बैठा था फ्री और टीवी लगा, आगे वही चैनल लगा और सुखविंदर आया और सुखविंदर ने कहा कि मैं इस गीत को गाने लगा हूं। वो जब उसने गाया वो गीत, तर्ज नहीं बदली, कोई लाइन नहीं बदली। और संगीत में एक होता है मीटर, उसको मीटर कहते हैं संगीत में भी, एक वर्ड टू वर्ड खत्म करना उसके अंदर अंदर, मीटर भी वही, तर्ज भी वही, गीत भी वही। जब उसने गाया, मैंने सुना पहली बार, तो मुझे लगा इसमें से तो बड़ा संदेश है एक। और आज ये थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश कर रही थी हमारी पार्टी, उसमें एक गीत के एक लाइन आई, मैंने विक्रम अछूत को सुनाया था एक दिन अपनी गाड़ी में, और ये घर जाके इसने सबको बताया परिवार को कि गीत के मायने ही बदल गए, अब तो अब जब भी सुनूंगा उसके अर्थ ही बदल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी जब सुना उसके अर्थ बदल गए, उसमें एक लाइन आती है, एक तो लाइन आती शुरू में, उस पहले दिल भर को सलाम। वो पहला दिल भर कौन है, वो पहला दिल भर कौन है, वो पहला दिल भर वो है जो कहता कि यत करौंच मिथुना दे काम बदी, जो पहला दिल भर वो जो कहता है कि तुमने प्रेम में मगन पक्षियों को जुदाई का दुख दिया, वो पहला दिल भर कौन है बोलिए। आदि कवि वाल्मीकि दयावान। मैंने वो जब सुना कि ये किसको कह रहा है, वो पहला दिल भर कौन है, वो जो हम सोचते हैं कि प्रेम लड़का और लड़की के बीच में होता, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, अगर लड़का लड़की के बीच में होता तो फिर प्रेम नहीं है, प्रेम तो मां और बेटे के बीच में भी होता है, बाप और बेटी के बीच में भी होता है। और प्रेम की परिभाषा जो है वो प्रेमिका बनाना और पत्नी बनाना नहीं है, प्रेम की परिभाषा है असल में कि दूसरे की खुशी के लिए जीना, वो चाहे आपके साथ हो चाहे आपसे अलग हो, प्रेम की परिभाषा अलग है। ईश्वर का प्रेम यही था, प्रेम में मगन तो क्रौंच पक्षी थे ना, दुख तो क्रौंच पक्षी को हुआ, मगर करुणा किसकी बही, करुणा सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की बही, ये प्रेम है, ये है प्रेम। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जब हम पढ़ते थे, तब एक हमें स्टोरी लगी, अब पता नहीं सिलेबस में नहीं है, और मुझे किसी ने वो किताब भी भेंट की थी, उसका स्पेशल एडिशन, द टेल ऑफ टू सिटी। उसमें क्या स्टोरी थी कि एक आदमी जिस लड़की से प्रेम करता है, कुछ दिनों से उसे उदास दिखता है कि ये उदास है, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है, वो पता करता है इधर उधर से भी हुआ क्या है, कि इस लड़की की जो स्माइल है मुस्कुराहट है वो कहां गई। तो कोई दूसरा जानकार बताता है कि ये लड़की जिसे पसंद करती है वो जेल में चला गया और उसे फांसी का हुक्म हो गया है, दो देशों की लड़ाई हो रही है और वो युद्ध बंदी है, अब युद्ध बंदी मारे जाएंगे, तो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। तो जानते हो वो लड़का क्या करता, जो पहला लड़का, वो जेल में मिलने जाता उससे, युद्ध बंदी से, और मिलने जाने पे जब मुलाकात होती है तो उसको मनाता है
कि ये युद्ध बंदी में जो कैदियों के कपड़े जो होते हैं कि ये ड्रेस मुझे दे दे और मेरी ड्रेस तू पहन ले। वो कह रहा क्यों? वो कह रहा मैं किसी के चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूं। ये प्रेम है जिसको हम समझते नहीं कि प्रेम क्या है। हम कहते कि मेरा हो जाए जो भी है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, बच्चे हैं, मेरे हो जाएं, तब कहते कि तब प्रेम है। वो तभी थोड़ी है। आज ज्यादा लोग जो आपके यहां आए हैं, अभी मैं कितने लोगों से मिला, दिन कल से मिल रहा हूं, और कितनों से मैंने बात की, बच्चे नहीं आए। वो कह रही बच्चे कहां से आएंगे? अब आपने कहा पढ़ाओ पढ़ाओ, अब वो हॉस्टलों में चले गए, अब कहां से लाए? उनको बुलाया, वो कोई कह रहा मेरा पेपर है, कोई कह रहा मेरा टेस्ट है, आपने कहा पढ़ाओ, हमें अकेले आना पड़ा। मगर प्रेम में तो कोई बाधा नहीं ना है, वो हॉस्टल में रहें या यहां रहें, प्रेम में कहीं कोई बाधा नहीं है, वो कहीं भी हों। और मैं कहूं कि नहीं, मेरा ये पंडाल भरने के लिए आपके बच्चे होने चाहिए, उनकी पढ़ाई छूटे या पेपर छूट जाए, मगर मेरा पंडाल भरा होना चाहिए, मेरी जय जयकार ज्यादा होनी चाहिए, तो वो मेरा सच्चा प्रेम होगा आपके प्रति, उन बच्चों के प्रति मेरा सच्चा प्रेम हो सकता है? वो नहीं हो सकता, फिर मेरा स्वार्थ हो जाएगा। तो मैं, हमने बात जहां से शुरुआत की कि ईश्वर ने कुशी लव परिवार में संपूर्ण कलाओं को भरा, संपूर्ण, संपूर्ण कला केवल ये नहीं होती कि आप अच्छे शायर हैं, आप लिख दिया आपने गीत, आप अच्छे गायक हैं, आपने गा दिया, आप अच्छा हारमोनियम बजा लेते हैं, आपने साथ दे दिया, तपला बजा दिया, केवल ये अच्छा नहीं होता। फिरोजपुर में एक आदमी हुए, फिरोजपुर में मोहनलाल भास्कर, 30 नवंबर को उनके नाम पे मुशायरा होता है, देश के बड़े बड़े मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी जैसे, पॉपुलर जैसे शायर उसमें आते हैं, बड़े बड़े शायर। मगर जानते क्यों आते हैं? मोहनलाल भास्कर भी शायर था, मगर शायर तो कोई भी हो जाए, हमारी सारी कौम ही शायर है, इनसे जितनी मर्जी तुकबंदी करा लो, कभी कभी मजाक में भी तुकबंदी कर देते हैं। वो कह रहे तुम किधर जा रहे हो, दूसरा कह रहा इधर आ रहे हो, आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तुकबंदी। मगर ये तुकबंदी नहीं जरूरी, आपका हृदय क्या कहता है। एक फंक्शन में मोहनलाल भास्कर एक अपनी कविता पढ़ रहे थे देश प्रेम की, और बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कि देश के लिए मरना चाहिए। जब कविता पढ़ के नीचे उतरे तो जैसे लोग मिलते हैं कि बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, मगर एक आदमी उनके पास आया, वो जा रहे थे, उसके कंधे पे हाथ रख के रोक लिया और रोक के पूछा कि ये शायरी शायरी है या तेरी रूह से भी कुछ जुड़ा हुआ है? ये जो तुमने कविता पढ़ी, ये केवल कविता कविता ही है या तेरी कोई ईमानदारी भी है इसमें? मोहनलाल भास्कर भी खड़े हो गए। वो करे क्या चाहते हो, अभी गर्दन कटवा दूं देश के लिए? वो करे गर्दन कटवानी तो आसान है, मगर जीना मुश्किल है थोड़ा सा। हमें अपने पड़ोसी देश में जासूस भेजने होते हैं, गर्दन कटवानी, गोली खाओ, एकदम गोली लगेगी, दो चार मिनट तड़प के मृत्यु हो जाएगी, बात ही खत्म। मगर आप पाकिस्तान जाना पड़ जाए जासूस बन के, ना भी पकड़े जाओ तब भी रात को अगर कहीं पेड़ का पत्ता भी गिर गया ना, तो जासूस उठ के बैठ जाएगा, कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा, यानी नींद ही हराम, जीवन ही पूरा दाव पे लग गया।
और मोहनलाल भास्कर ने वो जीवन चुन लिया, चले गए 15 साल पाकिस्तान की जेलों में रहे 15 साल, और गुमनाम जेलों में जिनकी गिनती नहीं होती, जिनका बताया नहीं जाता। और 15 साल बाद जब छूट के आए तब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, और वो किताब अचानक मुझे मिली। हमें जब स्कॉलरशिप मिला करता था तो लोग तो सोचते हैं कि सूट लूंगा, नए बूट खरीदूंगा, है ना, अलग अलग। अब तो वो आगे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, मगर हमें जब स्कॉलरशिप मिलना होता था तो हम किताबों की लिस्ट बना लेते थे पहले ही कि ये किताबें, दुकान पे चले जाते थे, देख लेते थे, रेट पढ़ लेते थे, और उनसे बात भी कर लेते थे कि जी हम स्टूडेंट हैं, बताओ कितनी रिलैक्स मिलेगी, वो भी जोड़ लेते थे कि 15% 20% मिलेगी, यहां से खरीदेंगे। तो मुझे वो किताब मिल गई और मैंने पढ़ी। और अभी 2 साल पहले उसी परिवार से मुझे फिरोजपुर के लोगों ने मिला दिया। मुझे सोच में भी नहीं था कि कभी उसी परिवार से मैं मिल भी लूंगा जिसको मैंने कहानी में पढ़ा। तो ये जो कमिटमेंट है, ईमानदारी है अपने विचारों के साथ, कि विचार कहने नहीं है केवल, आप विचारों के प्रति जिम्मेवार भी होने चाहिए। आप उन पे अडिग कितने हैं ये भी जरूरी है। और मैं उसी रूप में देख रहा हूं। मुझे जितेंद्र जी ने कुछ दिन पहले लिखा भी, और अभी भी कल भी मेरे से बात कर रहे थे कि जब पहली बार हमने योगी मां पर्व देखा तो हमें आके लगा कि हम तो धर्म की केवल कल्पना कर रहे थे कि आदि धर्म अभी तो नारे नारे में, एक स्लोगन में था, मगर जब योगी मां पर्व में आए तो हमें लगा धर्म की तो बुनियाद पड़ चुकी है। तो धर्म की बुनियाद, फिर भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि धर्म की बुनियाद केवल दीक्षित होने में नहीं है कि हम ये माला पहन ले, केवल इसमें नहीं है। असल में धर्म की बुनियाद है कि जब जान पे बनाए, और जान पे भी अपनी जान पे नहीं, किसी ऐसे की जान पे बनाए जिसके अंदर मेरी जान अटकी हुई हो, और उस वक्त अगर मैं ना डगमगाऊं फिर धर्म है, फिर भी मैं अपने धर्म पे अडिग रहूं तब वो धर्म है। अपनी जान से तो खेल लेता आदमी कभी कभी कि खेल जाऊंगा, मगर अपने किसी जिससे बहुत प्यार हो, जिससे बहुत लगाव हो, उस वक्त अगर हमारा मन डोलता है तो फिर समझ लीजिए हम धर्म पे अडिग नहीं है। अभी अभी एक मेला निकला है सिख इतिहास का। कौन से इतिहास का? वो जो गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चों को, बिल्कुल नाबालिग बच्चों को, जिनको दीवार में चिना गया, और उनसे क्या कहा गया था, ये संदेश आपके लिए भी है। उनसे क्या कहा गया जब उनको मुगल सम्राट के आगे पेश किया गया? उनसे कहा गया कि इतना सारा धन दौलत ले लो, सोना चांदी ले लो, और मुसलमान हो जाओ। और बच्चों का जवाब क्या था कि जिसने ईमान बेच दिया फिर उसके लिए सोना चांदी क्या है? सोना चांदी तो इससे ज्यादा कमाया जा सकता है, मगर ईमान अगर बिक गया फिर वो दोबारा नहीं कमाया जा सकता। फिर उन बच्चों को कहा गया कि तुम्हें युवराज बनाया जाएगा, तुम राजकुमार कहलाओगे, धर्म बदल लो। वो कह रहे जो राजकुमार अपना ईमान बेच के राजकुमार बने और फिर अपनी प्रजा से आंख ना मिला सके, ऐसे राजकुमार बनने का क्या फायदा, उसका क्या लाभ?
और अंत में उनसे कहा गया कि तुम्हें दीवार में जिंदा चन दिया जाएगा, तुम तड़प तड़प के मरोगे। तो उन्होंने पूछा कि अगर मुसलमान बनने के बाद कोई आदमी मरता नहीं है, हमेशा के लिए अमर हो जाता है, तो हम मुसलमान बन जाते हैं? अगर मरना मुसलमान बन के भी है तो ईमान बेच के क्यों मरे? ईमान रख के मरेंगे, कलंकित होके क्यों मरे? कलंकित नहीं होंगे। और आज इसीलिए दुनिया उनको याद करती है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उनके मेले पे उस दीवार को छूने के लिए, सिर्फ जिस दीवार में उनको चिना गया, किसको छू ले, उसको चूम ले, क्योंकि इसमें कुर्बानी की एक मिसाल है। और मुझे अब यहां भी आदि धर्म में भी वो मिसाल बनती हुई नजर आ रही है, दिख रही है। दीक्षा भी होनी है आज इसी प्रोग्राम में, और इसी प्रोग्राम में एक इतिहास और भी हो गया जो मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे 2017 में नहीं बोलने दिया, यानी 12 बज गए, और 2018 में मुझे कह रहे जी अब आप शुरू हो जाओ, है ना। तो मुझे बैलेंस करना है प्रोग्राम को, बैलेंस इसलिए भी करना है कि हमने सुबह वाल्मीकि तीर्थ पे नतमस्तक होने की रस्म भी अदा करनी है, वो रस्म भी तोड़नी नहीं है, वो बना के रखनी है। और हमें बरसों लगे हैं, जीवन के 35 साल लगे हैं इस रस्म को बनाने में। 4 जनवरी 1986 से जो हमने पहली रैली की थी, वाल्मीकि तीर्थ गए थे साइकिलों पे, 4 जनवरी 1986 से 2018 इसको जोड़ोगे अगर, 16 साल वो और 18 साल ये, और जोड़ोगे तो 34 साल बनते हैं। 34 सालों में भी अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो अभी भी हमें अपनी बरादरी का, वाल्मीकि कौम का बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा जिनको अभी वाल्मीकि तीर्थ पता नहीं, अभी भी मिल जाएगा। 34 साल लड़ने के बावजूद, 34 साल संघर्ष करने के बावजूद, मगर खुशी इस बात की है कि कभी उस वाल्मीकि तीर्थ पे 10 लोग भी नहीं जाया करते थे, 10 आदमी भी, मगर आज हर प्रचेतावार को, हर संडे को छुट्टी वाले दिन 10,000 से ज्यादा आदमी जाता है सुबह से शाम तक, 10,000 से ज्यादा केवल वाल्मीकन, दूसरे लोगों को छोड़ के अपने आप, ये नहीं कि योगिमा पर्व में, अपने आप जाने वाला। ये 34 सालों का ये भी परिणाम आया है कि 10 आदमियों से 10,000 पे आ गए हैं, है ना। और 10 साल प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि 10 लाख पे आ जाओ, आ जाओगे। आपकी 11 करोड़ की आबादी है देश में, तो 11 करोड़ में तो 10 लाख बड़ा छोटा रकम है ना, संख्या है, छोटी संख्या है, तो 11 करोड़ में से 10 लाख होने चाहिए। वो ये जो वाल्मीकि तीर्थ बना, ये इस योगिमा पर्व का परिणाम है। मैंने कहा ना कि राजनेताओं के कान नहीं सुनते, उनकी नींद खराब करो, जब उनकी नींद खराब होती है फिर वो सोचते हैं कि मेरी नींद कौन खराब कर रहा है, वो कह रहे इसको सुलाओ। और भूखा बच्चा सोता नहीं है। और हमें भूख क्या थी, हमें भूख वाल्मीकि तीर्थ की थी। तो सरकार ने देखा कि ये इतने लोग हमारी नींद खराब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ। और चुप कराने का एक ही रास्ता था, आज भी जब सुखबीर बादल बोले तो बोलने से पहले उनका जयकारा क्या लगा, उनका जयकारा क्या था, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय, यही जयकारा था। नहीं तो आप ही सीख जाते हो, आपकी गली में एक पंडित आ जाए, हमारी पूरी बिरादरी राम राम सीख जाती है,
एक पंडित से, उसको जय वाल्मीकि नहीं सिखाते, मगर धर्म समाज ने बदल दिया। आज हमारे एक साथी आए हुए यहां काशीपुर से, आरबी सिंह जी, इनके बारे में आज से कोई 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले जब जय वाल्मीकि कोई बोलता नहीं था, बोलते थे तो गलत बोलते थे, और जय वाल्मीकि का जवाब हर हर वाल्मीकि नहीं देते थे, मगर आरबी सिंह जी का एक अलग उन्होंने एक सिस्टम बनाया। वो जय वाल्मीकि बोलते थे लोगों को, तो जो लोग हमारे जिन्होंने जूठन खाई हुई है ना, ब्राह्मण की, तिलकधारियों की, तो उनको चलाने के लिए जय वाल्मीकि कहने से पहले ही कोई राम राम बोल देता था, कोई कुछ और बोल देता था, तो वो लड़े नहीं किसी के भी साथ। वो जो भी कोई कुछ बोलता था, कोई सलाम भी बोल दे, अदाब भी कह दे, वो एक ही जवाब देते थे हर हर वाल्मीकि। कुछ समय बाद लोगों ने पूछा भी ये अद्भुत आदमी है, हमने तो जय वाल्मीकि कहा भी नहीं और ये हर हर वाल्मीकि बोलता है। तो लोगों ने जब उनसे पूछा भाई ये क्या मसला है, हम तो जय वाल्मीकि कहते नहीं, वो कह रहे मुझे सुनाई जय वाल्मीकि देता, आप कुछ भी बोलो मैं तो हर हर वाल्मीकि जवाब दूंगा। इतनी कट्टरता होनी चाहिए तभी धर्म बनते हैं। और शायद वही एक संकल्प होगा कि आपका मुख्यमंत्री भी आके जय वाल्मीकि और जो बोले सो निर्भय से बात शुरू करता है। ये जो कुर्बानियां हैं आप लोगों की, उसी कुर्बानियों में एक कुर्बानी और है। हमने पिछले 5-7 सालों से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। वाल्मीकि तीर्थ को मैं परिभाषित किया करता था, जब लोग पूछते थे भी क्या है, खास क्या है, तो मैं उसको परिभाषित करता था कि आप अपनी गली मोहल्ले में, जहां भी आप रहते हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, एक जगह घेर लेते हो कि जी मंदिर बनाएंगे, यहां वाल्मीकि मंदिर बनाएंगे, है ना, और वहां एक चित्र लगा देते हो, झंडा लगा देते हो, और फिर कोई अगर वहां से वो चित्र हटा दे या वो झंडा हटा दे, फिर लड़ते मरते हो, उसी वक्त ईंट पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, सर कोई बाहर आ जाता है घर से। होता ये होता कि नहीं होता पूरे देश में? मगर अगर पूछो कि वो जगह तो आम थी, पता नहीं खेतों की थी, पता नहीं छप्पड़ की जगह थी, और आपने वहां फोटो रखी परमात्मा की, आपने झंडा लगाया, और अब आपने कह दिया कि ये धर्म स्थान है, किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, वो आपने बनाया। मगर वाल्मीकि तीर्थ वो है जहां परमात्मा ने अपने चरण लगाए, इतना फर्क है। एक वो जगह जहां हम केवल चित्र रख के कहते हैं कि धर्मस्थल हो गया, और एक वो जगह जहां उसी चित्र वाले परमात्मा ने अपने कदम लगाए हो, अपने चरण लगाए हो, उसका स्पर्श दिया हो। वो मिट्टी आपके लिए चंदन से ज्यादा होती कि नहीं होगी? वो चंदन से भी बढ़के हो गई। तो ये वाल्मीकि तीर्थ है। अब उसका अगला कदम है, वाल्मीकि तीर्थ था सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों का स्पर्श प्राप्त भूमि, चरणों का। अब दूसरा जो आंदोलन शुरू किया हमने, वो परमात्मा के हाथों में क्या है, उनके हाथ में क्या है, कलम। अब ये दूसरा संकल्प है, अब ये दूसरी लड़ाई। वाल्मीकि तीर्थ की लड़ाई हमने जीती केवल 30 साल में, 86 से शुरू हुए और 2016 में जीत गए।
2016 में ही हो गया था ना वाल्मीकि तीर्थ का, 2016 में जीत गए 30 सालों में, बिना लड़ाई के, बिना जेलों में गए, बिना किसी की शहादत के जीत गए। ये आदर्श परिवार की रणनीति थी, तरीका था लड़ाई लड़ने का। उस तरीका क्या था, बुजुर्गों से सुनी थी एक बात मैंने, और उसी बात को मैंने अपने संकल्प में ले लिया। बुजुर्ग कहते थे कि जहां आदमियों का जाना आना शुरू हो जाए ना, जंगल में भी, वहां से जानवर भाग जाते हैं, जानवर फिर जगह बदल लेते हैं। तो मैंने भी सोचा वाल्मीकि तीर्थ के जानवर कैसे भागेंगे, लड़ेंगे तो उनको तो BSF की सुरक्षा मिल जाएगी, CRP लग जाएगी, पंजाब पुलिस लग जाएगी, उनको तो वो सुरक्षा मिल जाएगी। और हुआ सचमुच यही। जब पहली रैली हमने की तो BSF आप जो देखते ना वहां चौकी बनी हुई, हमारी पहली रैली जिसमें केवल 50 लोग थे, 50 वो भी बड़े बड़े नहीं, 13 साल का बच्चा भी था एक, केवल 50 लोगों से सरकार इतना डरी कि BSF की पूरा एक कंपनी वहां बिठा दी। तो मैंने कहा भी ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो फेल हो गया। अब दूसरा तरीका बचा, और दूसरा तरीका ये था कि आप आदमी है ना, जो आप आदमी हैं, जो आप गणेश में से नहीं हैं, है ना, जो हनुमान में से नहीं हैं, जो सुग्रीव में से नहीं हैं, जो आदमी हैं सच में, वो जो आदमी जिसका जिक्र मां सीता करती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी कह रही कौन है, जहां राम के मन में जहां से शंका पैदा होती है, मां सीता जब लंका से लौटती है तो अपनी सहेलियों से कहती है, वो पूछती है कि महात्मा रावण कैसे थे दिखने में, क्योंकि वो TV नहीं ना था उस वक्त कि न्यूज में आ जाए और हम देख ले, वो तो जिसने देखा वही बताएगा। तो मां सीता कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना खूबसूरत, इतना बलिष्ठ, इतना सुशील आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। ये मां सीता कहती है, आप उसमें से हो, इंसान इंसान, हनुमान में से नहीं हो, है ना, गणपति में से भी नहीं हो, इंसान हो। तो मैंने इंसानों को चुना भी, चलो भी वाल्मीकि तीर्थ आया करो। और आपने वो 50 हम गए थे पहली बार, आपने आंकड़ा 50,000 का बना दिया। देखो आंकड़े कैसे बदल रहे हैं, पहले 10 लोग नहीं जाया करते थे, अब 10,000 आदमी होता है। और इसकी अगर गारंटी लेनी मेरी बात की, तो वहां जो दुकानदार है ना उनसे पूछ लेना कि आज से 10 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी छुट्टी वाले दिन, और अब कितनी होती है, वो बता देंगे आपको। और हम 50 गए थे पहले दिन, और योगी मां पर्व में कितने आने शुरू हो गए, 50,000। तो सरकार की तो नींद हराम होनी थी, तो सरकार ने कहा वाल्मीकि तीर्थ ही बना दो, यानी मसला ही खत्म कर दो, फिर क्या करेंगे, मसला ही खत्म कर दो। मगर सरकार को यह नहीं पता मसला अभी खत्म नहीं हुआ, मसले की तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो केवल बिल्डिंग बनी है, अब तो अभी धर्म बनना है। अब धर्म बनने में क्या बाधा है, अंतिम बात कहूंगा, लंबी बात, मेरे पास विषय बहुत है कहने को जो मैंने सोचे थे, क्योंकि साल बार इकट्ठा होते हैं, हजारों रुपया खर्च करके आते हैं, तो बात थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मगर दीक्षा भी होनी है और सुबह का नमन भी होना है। तो छोटी बात कहनी चाह रहा हूं, कल हम लोग अखबार पढ़ रहे थे सुबह, मेरे पास बच्चे बैठे थे, और उसमें एक खबर आई, राजस्थान में एक परंपरा रही है, आज भी है, वहां के जो जब बड़े बड़े लोग हैं ना, संपन्न लोग,
जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, बड़े बड़े वो महलनुमा हवेलिये हैं, यानी बेशुमार पैसा है और कुछ करने को नहीं है। वो इतने नालायक हैं कि अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाए, उनकी मां की मृत्यु हो जाए, उनके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो रोने का भी टाइम नहीं है उनके पास। देखो आप, आपको ये बात अजीब लग रही होगी मगर कल के भास्कर में थी ये खबर, लास्ट पेज पे। कल का पंजाब का भास्कर निकाल लोगे, उसके अंतिम पेज पे ये खबर है। वो उसमें ये लिखा कि अभी भी ये परंपरा है, तो फिर रोता कौन है? रोने के लिए दलित समाज की औरतें रखी जाती है, उनको कहते रुदाली, रुदाली रोएंगी। उनको बुलाया जाता है किराए पे, जैसे शादी में बैंड बुलाया जाता है ना। अब बैंड बुलाना तो ठीक है क्योंकि आप नाचोगे कि बैंड बजाओगे? बैंड तो वैसे ही बज जाता है लड़की वालों का, बेचारों का, लड़के वाले और बजा देते हैं आके, है ना। मुझे अनजान साहब बता रहे थे, हमारे साथी बैठे यहां ओम प्रकाश अनारिया जी, उन्होंने अभी बेटी की शादी की, तो अनजान साहब बता रहे थे दुखदाई बात भी, कैसे बैंड बजता है आदमी का, कैसे रस्में बढ़ाई जाती हैं, एकदम नए नए मामा पैदा हो जाते शादी में, उसी दिन जन्म ले लेते उसी दिन मामा, और बड़े भी हो जाते हैं। चलो जन्म लेके बड़ा कोई हो जाए, चलो उससे तो गले मिला जा सकता है, हम तो शादी में मरी हुई दादी का सूट भी ले लेते हैं। भी मरी हुई दादी का सूट देने कौन जाएगा है? और सुमित बैठा यहां, कहां सुमित? ये कोरियर का काम किया करता था, है ना, आपको वैद चला गया है। इससे पूछो भी मरी हुई दादी का सूट पहुंच सकता, कोई ऐसी कंपनी है कोरियर की जो पहुंचा दे? मरी हुई दादी नानी का सूट भी ले लेंगे कि जी दादी का सूट भी बनता है। कह रहे लड़की वालों के पास कुछ बच ना जाए, बस आज ही इनको भूखे कर दो। हमें इन चीजों से भी लड़ना है, मगर जो बड़ी लड़ाई लड़नी है वो शिक्षा की लड़नी है। और शिक्षा में मैंने इन दो बेटियों को विशेष तौर पे बुला के बिठाया है। लोग आपसे भी सवाल कर सकते हैं, पटियाला से कांता जी कहीं बैठी हैं तो आ जाए मेरे पास। पटियाला से कांता जी, इनको मैंने विशेष रूप में बिठाया अपने पास, किस लिए? ये सवाल लोग आपसे कर सकते हैं, करते हैं लोग कि जी आप जाते हो, चाहे योगिमा पर्व हो, चाहे योगामृत हो, और वहां भजन भुजन हो जाते, ढोलके सी बजती है, और फिर आप घर को आ जाते हैं, ये आउटपुट क्या है, है ना, पढ़े लिखों का शब्द है, आउटपुट क्या है? बैठ जाइए, ये आउटपुट है। इनमें एक बेटी है, पहले बैठी कमला, फिरोजपुर के एक गांव की, शेर खां से, इसका भाई भी यही मजदूर है, कल से ड्यूटी दे रहा है। इसने जब 12वीं क्लास की, प्लस टू पास किया, प्लस टू तक गांव में स्कूल था, तो इसको इजाजत रही भी जाओ पढ़ लो। अब प्लस टू जब खत्म हुआ तो गांव में आगे का कॉलेज था नहीं, और कमला ने गलती ये कर ली कि मेरे तरह कद निकाल लिया इसने अपना, है ना, बेटी बड़ी बड़ी लगनी शुरू हो गई। और ये सारे लोग, ये इसका परिवार नहीं, हम सारे इससे पीड़ित है, पूरा भारत पीड़ित है। लड़की बड़ी लग रही है, लड़की सुंदर है, अब इसको दूर नहीं भेजेंगे, है ना, बिगड़ जाएगी। मुझे जलंधर के एक गांव में, कौन सा गांव था वो, घुगशोर था शायद, घुगशोर गांव में गए थे हम लोग, जलंधर के एक जगह है, वहां बेटियां मिली मुझे इसी सवाल को लेके,
मैंने जब पूरा सत्संग में पूरी बात ही शिक्षा पे कर दी तो वो बेटियां आई दोनों बहनें मिलने, सगी बहनें, अद्भुत बात बताई। वो कह रही थी हमें दूसरी जगह पढ़ने जाने से तो रोक दिया कि लड़कियों को दूर नहीं भेजेंगे पढ़ने, लड़की हैं। और स्कूल तो करी हमने जाना था दिन में, स्कूल तो दिन के ही होते हैं ना, स्कूल कॉलेज दिन में ही होते ना। और अब करी हम गांव के खेत में रात 11 बजे आलू निकाल रही हैं, एक बल्ब लटक रहा खाली, रात 11 बजे तक आलू निकाल रही हैं और वही मां बाप भेज रहे हैं कि आलू निकाल लो। रात 11 बजे उनको हमारी सुरक्षा नहीं पता कि अब सुरक्षा की जरूरत है, मगर दिन में जो स्कूल जाना था वहां सुरक्षा जोड़ दी। और फिर क्या हुआ, लुधियाना में सेमिनार हुआ, सेमिनार अभी पूरा भी नहीं हुआ, अभी बच्चे बोल रहे थे। सेमिनार का पहला भाग में बच्चे बोलते ना 2-3 घंटे, अभी बच्चे बोल रहे थे। और इसका जो भाई एतराज करता था कि बहन को दूर नहीं भेजेंगे, वही भाई सेमिनार में बैठा और सुन रहा, बच्चों को सुना अभी, और चमत्कार हो गया। उठा, बाहर गया सेमिनार के बाहर, हॉल से बाहर, मोबाइल मिलाया, घर फोन किया और बहन को क्या कहा कि अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, कल तुम्हारा एडमिशन होगा शहर में। यह मिसाल है आदर्श परिवार की, यह आउटपुट है। अब ऐसी मिसाल तो आपको मिल जाएंगी, मगर वो जो बगल में बैठी है कविता, ये मिसाल आपको पूरे देश में, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसका भाई भी यही है, आज बड़ी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेके नारे लगाता हुआ आ रहा था, गंगाधर। उसका नाम गंगाधर भी बाबा साहब अंबेडकर के बेटे के नाम पे है, और पूरा नाम अब उसका है गंगाधर अंबेडकर। एक सत्संग सुना उसने, केवल एक योगावृत, और सुना, सुनने के बाद अब मुझे नहीं पता कौन सी बात उसको ज्यादा अच्छी लग गई। मैंने कहा ना, विचार, अपने विचारों के प्रति ईमानदार भी बनो। देखो उसकी ईमानदारी और उसका संघर्ष कहां था। कविता की शादी के कार्ड छप चुके थे, बट चुके थे। मैं तो इसको कहता हूं, वो कोई एक कार्ड तो मुझे दिखाओ, यानी सारे ही बढ़ चुके थे। जब किसी लड़की की शादी के कार्ड बढ़ चुके हो और भाई आके बहन को कहे कि इधर आ, पहले बात करते हैं, आज मैं एक बात सुन के आया हूं बड़ी अच्छी, और बहन को कहे कि शादी कैंसिल कर, पढ़ना जरूरी है, और बहन भी तैयार हो जाए, बताओ कोई मां बाप मानेंगे, कोई मां बाप सहमत होंगे इस बात पे कि कार्ड बढ़ चुके हैं, आप शादी कैंसिल कर दो। और इनके मां बाप भी माने नहीं, पहले दोनों भाई बहनों को कहा खड़े हो जाओ, चलो घर से बाहर, मगर दोनों ने अपनी बात मनवाई। और आज कविता देव समाज कॉलेज की बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, शादी टाल दी। ये अद्भुत मिसाल है अपने आप में, ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कहीं। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल भी, ये आदर्श परिवार, आदर्श परिवार की देन है। आप लोगों की जो मेहनत है, वो लुधियाना के वो जो आदि प्रकाश जी, सतपाल जी, मुकेश जी, बहुत सारे साथी लुधियाना के, दो बड़े प्रोग्राम करते हैं, 1.5-2 लाख रुपया एक एक प्रोग्राम, एक बड़ा सेमिनार लुधियाना का और एक योगी मां पर्व का सुबह का खाना, हलवाई, गैस, हर चीज, टोटल सारा कुछ इनका, लुधियाना वालों का। और किस लिए, ये तो मंच पे भी नहीं आते, फोटो भी नहीं खिंचवाते, सेल्फी भी नहीं मारते, आधी टीम तो वहीं बैठी है वाल्मीकि तीर्थ, सुबह का नाश्ता तैयार करवा रही, वो तो यहां भी नहीं है।
वो वहां पहुंचे हुए हलवाइयों के साथ। हलवाई रात को कहेंगे कि पानी ला के दो, वो पानी ला के देंगे कि चना बनना है, पानी अभी ला के दो। उस सेमिनार का परिणाम है ये आया परिणाम। और एक वो मिसाल कांता जी, पटियाला में जन्म हुआ, हरियाणा हिसार में शादी हुई, और शादी के कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद पति की मृत्यु हो गई। बच्चे थे मगर बच्चों में से भी एक बच्चा बचा, उसी को पाला, बड़ा किया, दूसरी शादी की बात नहीं सोची, फिर उसकी शादी की, मगर वो बच्चा भी शादी के तीन चार साल बाद, शायद चार पांच साल बाद, अचानक किसी शादी समारोह में नाचते नाचते हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। और कोई सास होती अगर ऐसी, तो सबसे पहले बहू को कहती कि ये मेरा बच्चा खा गई। सास यही कहती है, ऐसे ही लड़का कैसे भी मरे, पहला हमला बहू पे होता है। वो जो लौटने वाली होता था ना, कि जब बहू कोई विधवा हो जाए तो मायके वाले अपनी लड़की को साथ ले जाते थे, वो इसीलिए ले जाते थे कि अब इसको मेने ताने सुनने पड़ेंगे, थोड़े दिन अपने साथ ले जाओ और फिर बाद में ये वापस आएगी, वो तब थी रस्में। मगर कांता जी ने ये नहीं किया, बल्कि अपनी बहू से ये कहा कि घर की जिम्मेवारी उठानी है और तुम्हारी ये 10 क्लास जिम्मेवारी नहीं उठा पाएंगी, आगे पढ़ना शुरू करो। उसको बीए करवा दिया बहू को, अब इनकी बहू एमए की स्टूडेंट है, पोता पोते भी पढ़ रहे हैं। ये कहां की देन है? रावण साहब करे पुकार, शिक्षित हो पूरा परिवार। और यही मिसालें पैदा करनी पूरे देश में। मैंने पहले दूसरी बातें कही संस्कारों की, अब ये शिक्षा की बात कह रहा हूं। ये मिसाल पैदा करनी है, और ये मिसाल पैदा करेंगे तभी आप कोई कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे शिक्षा में। और सत्संग में तो लोग मत्था टेकते हैं, ये पैसे आ जाते हैं। सेमिनार में कोई मत्था टेकता है? कोई पैसे मिलते उसमें हमें? मगर वो आदि प्रकाश जी बैठे बता देंगे, बल्कि मुझसे पैसे ले लेते हैं, कहेंगे जी आप हॉल बुक करा दो, बाद में दे देंगे। मगर हमें ये करना है, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, बाकी जगह से पैसा बचाया जाएगा मगर शिक्षा पे नहीं रोका जाएगा, उस पर हर हालत में करना है। और यहां एक बोर्ड लगा हुआ है आप लोगों के पीछे कि ये जो शादी में शगुन देते हो, जन्मदिन पे जाते हो लिफाफे में डाल के शगुन देते हो, वो शगुन चाहे देने बंद कर दो। किसी का बच्चा 10वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर लेके पास हो, उसको शगुन दे के आओ बंद लिफाफे में, चाहे लिखवा के आ जाओ कि जी 2000 रुपये दे रहा हूं, जिस दिन मेरा बच्चा करे तुम भी दे देना, और कह के आओ कि ये 2000 मेरी तरफ से, बच्चा अगर मेडिकल करे तो रोकना मत। और हम सब मिलके अगर देंगे 500 रुपए का शगुन भी देंगे तो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई मां बाप गरीब रह जाएगा? गरीबी नहीं रहेगी, हम एक दूसरे की गरीबी को अपने ऊपर ले लेंगे। इसकी शुरुआत करो, यह जरूरी है। एक खुशखबरी बता रहा हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट काट रहा हूं, एक खुशखबरी के साथ। फिर दो रस्में होनी है, एक रस्म केवल रस्म ही है, अभी उसकी अदायगी नहीं होनी है।
वो है कि कुछ लोगों को जिनका बहुत बड़ा योगदान हो गया है आदर्श परिवार में, और साइलेंट योगदान, एक तो योगदान होता है ना मेरे जैसे आदमी का, यहां बैठूंगा तो मुझे तो योगदान देना ही देना है, क्योंकि इतनी बड़ी गद्दी पे बिठाओगे तो मैं जागूंगा ही, मगर जो नीचे बैठ के जाग रहा है उसका बड़ा योगदान है जिसका कोई नाम ही नहीं है। और फिर इस हमारे काम में वो अपने बच्चों का हिस्सा काट के हजारों रुपया भी दे रहा है, उनका बड़ा योगदान है एक उनको सम्मानित करने का। तो उसमें आज जो लोग सम्मानित किए जा रहे हैं, रस्म अदायगी होगी योगेश्वर परम में, क्योंकि उसके लिए जो चीजें होती जरूरी चाहिए होती हैं उनकी तैयारी नहीं है, खर्चे थोड़े ज्यादा हो गए, हम तैयारी नहीं कर पाए। उसमें एक तो आज वीरपाल शंभूक जी की वीरांगी, उनको वीरांगी श्रेष्ठ की उपाधि से सम्मानित किया गया है, मान लिया जाए आज से, अदायगी होगी योगेश्वर परम में। आज के बाद आप उनको जब भी उनका नाम लेंगे वीरांगी श्रेष्ठ शब्द जोड़ के नाम लेंगे, और यहां सुभाष जी अगर कहीं हैं नजदीक हैं तो उनको ले आए ऊपर मंच पे, मंच पे ले आइए। दूसरा नाम वीरांगी कांता जी आपके बीच में बैठी, आप उठ के रहेंगे थोड़े, एक बार खड़े हो जाइए, सब लोग दर्शन करेंगे कि वो कौन सी मूर्त है जिसका इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा संकल्प है, और संकल्प है। अब हर शाम घर का खाना बनाने के बाद चंदन जी, प्रोफेसर चंदन जो पटियाला यूनिवर्सिटी में, और कांता जी अपने साथी साथ लेके रोज एक गांव कवर करते हैं, रोज एक गांव, संकल्प ले लिया कि 4 घंटे किसी एक गांव में गुजार दें, वहां के बच्चों में शिक्षा की बात कर दी। आज इनको भी वीरांगी श्रेष्ठ की उपाधि के साथ सम्मानित किया जाता है। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता, जयकारा तो अपने आप लगाओ कि खुशी नहीं हुई, जो बोले सो निर्भय, बैठ जाओ बैठ जाओ। और एक नाम और है लखनऊ से, बहुत पुराना नाम है, जो मैंने बात अभी कही कि हम जैसे तो वो है जिनको मंच मिलता है, माइक मिलता है, हार मिलते हैं, मगर कुछ लोग जिनको कुछ भी नहीं मिलता कभी ऐसा, मगर उनके काम में इतना सा भी फर्क नहीं आता, उनकी स्पीड में फर्क नहीं आता, वो उसी रफ्तार से चलते हैं, उसी तरीके से अपना सहयोग करते हैं। वो एक नाम है लखनऊ से, हमारे साथी हैं अनिल जी, वो मंच पे आ जाएं। आपने कभी मंच पे देखा नहीं होगा उनको, बहुत कम लोग उनके से वाकिफ होंगे, हाँ गेट पे खड़े मिले होंगे, वो कहीं आपको रोक लिया होगा उन्होंने हाथ आगे करके कि थोड़े आदमी जाएंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे। वीर अनिल जी लखनऊ से, जहां भी आप मंच पे आ जाएं, उनको भी आज वीर श्रेष्ठ की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जो बोले सो निर्भय, घूंघट मत उठारना बेटे, कोई देख ना ले पहचाने ना, है ना, रिश्ता बाप बेटी का रहेगा, घूंघट भी रहेगा, हैं? बस बेटे बस ध्यान से बस बैठिए। ये तीन लोग अनिल जी आ गए लखनऊ से, वीर श्रेष्ठ अनिल जी, और एक बार बेटे आप भी खड़े हो जाओ, दोनों, आपका जिक्र भी किया मैंने, कमला भी
और कविता भी, ये वो बच्चे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। और इनके इनकी जो आज ये है उसमें ज्यादा बड़ा योगदान इनके भाइयों का है जिन्होंने इनके साथ संकल्प ले लिया। रावल साहब करे पुकार, बैठो बेटे। तो बहुत लंबी बात हो गई, 45 मिनट का पीरियड होता है, मैंने 2 घंटे का ले लिया, है ना, थोड़ा नजायज हो गई बात, ज्यादा लंबी हो गई, और हला मुझे बातें काटनी भी पड़ी बहुत सारी। बस एक खुशखबरी के साथ बात खत्म, और चंडाल साहब जिन लोगों ने दीक्षा लेनी उनको ले आएंगे आप यहां, बस दीक्षा के बाद हम सच्ची प्रार्थना करेंगे। कर लो तैयारी, बिल्कुल एकदम तैयारी कर लो दीक्षा वाले लोगों की, जिन लोगों ने बा बोलेंगे नहीं, बोल मैं रहा हूं, मेरी बात सुनते रहिए। अंतिम बात कहनी, खुशखबरी, कहते ना कि अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान लिखते ही योग सृष्टि में भी कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जिसका फल ना मिले, गारंटी है, और मुझे तो अद्भुत ही फल मिल रहा है। पहले वाल्मीकि तीर्थ के बारे में मैं कहा करता था कि मिलेगा तो जरूर, वाल्मीकि तीर्थ बनेगा तो जरूर, मगर शायद हमारे जीवन में नहीं बनेगा, मैं ये कहा करता था, भी समय लगेगा। ईश्वर ने वो भी कृपा कर दी और वो हमारे जीवन में ही बन गया। और अभी दूसरी एक और नई बात होने जा रही उस दिशा में, अभी 100% हुई नहीं मगर दिशा बड़ी अच्छी है। 14 जनवरी को 14 सृष्टि 2018, अभी जो आज से 14वां दिन दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है, और उस मीटिंग को आदर्श नहीं कर रही, कौन कर रहा है, जो आपके सेमिनार में टीचर आते हैं, जो आपके सेमिनार में टीचर आते हैं उनमें से कोई ब्राह्मण परिवार से है, कोई जिमीदार परिवार से है, वो टीचर इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे हैं कि आदर्श की अब अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 14 को मीटिंग है उनकी, समय लग सकता है यूनिवर्सिटी बनने में, मगर बात देखो कितनी बड़ी कि कोई दूसरा हमारे लिए सोच रहा है कि आदर्श की अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मैंने उनसे कहा भी जमीन कौन देगा, वो कह रही दिल्ली सरकार देगी। मैं कहा वो कैसे देगी, केजरीवाल और सिसोदिया को अगर सोते वक्त कोई, जैसे होता ना बच्चे कहते कि पापा गुड नाइट, मतलब ही सोने जा रहे हैं, केजरीवाल और सिसोदिया को अगर सोते वक्त अगर कोई कह दे दर्शन रतन रावण, रावण का नाम ले रहे हैं उनके कान में लास्ट में, तो उनको पूरी रात नींद नहीं आएगी। प्रकाश हो, बड़ा भयंकर है उनके लिए ये नाम, और क्यों हुआ वो भी बता दूं आपके लिए, जो गर्व की बात, यानी संकल्प इतना ही मजबूत होना चाहिए। हमारे साथ उनकी अटैचमेंट भी हुई थी, और देश को यह भी लग रहा था कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकता है, लग रहा था ना उस वक्त, ये क्या हो रहा है। मगर उसी वक्त एक वीडियो आ गया मेरे पास केजरीवाल का, वो एक किसी कॉलेज की क्लास में बच्चों से बात कर रहा है, और बच्चों ने उससे सवाल पूछा कि आरक्षण पे जो हमारी रिजर्वेशन है उस पे आप क्या करोगे जब आपकी सरकार आ जाएगी, आप क्या सोचते हैं। तो उसने बच्चों से कहा कि मेरी सोच ये है कि आरक्षण अगर किसी घर में एक बार मिल गया किसी को तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाए। और केजरीवाल जो बोल रहा था ये बात, उसके सिर पे टोपी पहनी हुई थी वो अन्ना वाली, वो टोपी इस बात का सबूत थी कि ये पुराना वीडियो नहीं है, ये वीडियो नया है।
मैंने वो वीडियो देखा, मैंने योगेंद्र यादव जी को भेजा, मैंने कहा ये देखिए आप कहते थे कि ये आदमी बदल गया है मगर इसके दिमाग में तो अभी भी गंदगी है और ये तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो वो कह रहे बात करेंगे, मगर मैंने उनकी बात पे नहीं, मैंने कहा अच्छा आप अपनी बात करते रहना जो करते हो, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मैंने उसी वक्त सुबह सुबह ही मैंने टाइप करना शुरू किया आर्टिकल और लिखा निकालना आप पिछले रिकॉर्ड में से, ये मेरे फेसबुक में पड़ा है। मैंने लिखा उनको कि मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि जिस परिवार में रिजर्वेशन का एक लाभ आ गया अगर तो उस परिवार को दूसरा लाभ नहीं मिलना चाहिए, मैं भी सहमत हो सकता हूं, मगर उससे पहले आप बने आरएएस, है ना, आरएएस होता है रेवेन्यू ऑफिसर होता है, आईएएस में से निकलता है, जो आईएएस में से थर्ड क्लास होते ना, जो आईएएस में से थर्ड क्लास रह जाते हैं वो आरएएस, मगर फिर भी बड़ी चीज होती है। मैं कहा आप आरएएस बन गए तो एक परिवार में आरएएस एक बहुत था, लाखों तनख्वाह होती लाखों में उसकी, आप आरएएस पत्री क्यों ले आए साथ, ये पत्री किसी और को दो, एक आरएएस किसी और परिवार में होना चाहिए, अभी दे दो आज ही, हम भी रिजर्वेशन एक ही बार लेंगे। उन्होंने मेरा लिखा हुआ उसी वक्त कॉपी निकाली, सारे दफ्तरों में बांट रहे, देखो रावण ने क्या लिखा, और योगेंद्र जी से सवाल कर रहे। यानी मैंने उस वक्त परवाह नहीं की कि ये आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है और मुझे इसकी चमचागिरी करनी चाहिए, मैंने ये परवाह नहीं की। उसने गलत बोला और मैंने जवाब दे दिया और मैंने कहा अभी उन टीचरों से, मैंने कहा उनको तो अगर कह दोगे ना कि अभी रावण का फोन आया था, उनकी नींद ही खराब हो जाएगी, तो वो जमीन कैसे देंगे। वो कह रहे जी उनको दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ना, पहले इलेक्शन में आपका नाम यूज हुआ है तो दूसरे में आप खुद कर सकते हो, अगर वो जमीन दे देंगे, नहीं देंगे तो आप हम हरा देंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो एक बड़ी बड़ी बात है किसी संगठन के लिए कि दूसरे लोग, दूसरी कौमों के लोग, दूसरे धर्मों के लोग आदर्श के बारे में सोचे कि आदर्श की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये एक गर्व की बात है आपके लिए और 14 को मीटिंग होने जा रही है। कितने आयाम है, कितने एंगल है जहां से काम हो रहा है हमें पता ही नहीं है। तो ये एक खुशखबरी थी, बाकी बहुत सारे लगभग सब्जेक्ट मैं छोड़ रहा हूं। और एक सूचना बस लास्ट, वो खुशखबरी ने मान ले चाहे चाहे उसे सूचना मान ले, वो ये है कि वाल्मीकि तीर्थ बहुत खूबसूरत बना है। अब उसकी अभी वाल्मीकि विजय दिवस निकला तो शिकायतें आई हैं, अखबारों में भी छपा कि उसकी परिक्रमा में दुकानें लगी और लोगों ने उस पर एतराज जताया। इतनी खूबसूरत परिक्रमा, वो पब्लिक के लिए चलने के लिए है, वहां दुकानें नहीं लगनी चाहिए, दुकानें बाहर होनी चाहिए। दरबार साहब की परिक्रमा में कोई दुकान लगती है? अब तो उसकी दीवार से भी हटा दी, दरबार साहब की दीवार के साथ जुड़ी हुई दुकानें जो थी वो भी हटा के दूसरी तरफ कर दी, मगर हमारे तीर्थ के अंदर दुकानें खुले। तो ये सवाल कल को पलट के हमारे ऊपर भी आ सकता था कि अगर दुकानें तो चीज बेचती हैं, ले गया आदमी खिलौना, ले गया चित्र, ले गया, और आप परिक्रमा में लंगर लगाओ तो वहां तो फिर जूठन भी तो बिखरेगी ना। तो ये सवाल आदर्श पे भी खड़ा हो सकता था। एक ये एक बात। नंबर दो, ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसमें सबसे पहला वरदान कौन सा हम मांगते हैं परमात्मा से, पहला वरदान कौन सा है इसमें? शांति, जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। और पावन वाल्मीकि तीर्थ हम किस लिए जाते हैं? अपनी शांति के लिए। और वहां अगर संघर्ष शुरू कर दे हम,
या कोई उल्टा काम शुरू कर दे तो हम अपनी शांति भी खो देंगे, दूसरों की भी खराब करेंगे। और मैंने एक बात हमेशा कही कि वाल्मीकि तीर्थ को चाहे आजाद करवाना हो, चाहे वाल्मीकि तीर्थ की मर्यादा स्थापित करनी हो, मैं उस जमीन को युद्ध भूमि नहीं बनने देना चाहता। यह मैंने कहा ना बार बार कि युद्ध भूमि नहीं बनाएंगे, कोई और तरीके अडॉप्ट करेंगे। तो अगले साल से हमने एक चीज और बदली है कि सुबह हम मत्था टेकने तो जाएंगे, कुछ लोग तो आज भी मत्था टेकने चले गए पहले ही, क्योंकि कई लोगों का पहली तरीका है, लोगों ने ड्यूटी पे जाना है, वो आज चले गए पहले ही। मत्था टेकने हम जाएंगे सुबह, मगर मत्था टेकने के बाद वो जो लुधियाना की टीम लंगर लगाती थी, अब वो लंगर की जगह बदल जाएगी। हमने जो बॉर्डर पे जगह खरीदी है, अब लंगर वहां लगा करेगा, क्योंकि उसे भी तो बनाना है ना, वहां भी आदमियों का आना जाना शुरू होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो जानवर कब्जा कर लेंगे, खरीदी है वो, कब्जे वाली जगह नहीं है, खरीदी या रजिस्ट्री करवाई है उसकी। कोई 1400 से ज्यादा गज जगह है वो, और रोड के ऊपर है, बॉर्डर वाले रोड पे 124 फुट का उसका फ्रंट है, 124 फुट का। तो दरबार वहां बनेगा, प्रसाद वहां लगेगा, अगले साल लंगर वहां लगेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप गाड़ियां लेके आते हो तो अपने ड्राइवर को पहले ही कह के लाओगे कि योगी मां पर्व के बाद वाल्मीकि तीर्थ जाएंगे, मत्था टेकने के बाद फिर बॉर्डर वाली जगह पे जाके वहां प्रसाद ग्रहण भी करेंगे और आदि नित्यनेम का पाठ भी करेंगे। जय वाल्मीकि। अब